नमस्ते, आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूँ योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कैवल्यपाद के 19वें सूत्र की, जिसमें हम जानेंगे कि चित्त क्या स्वयं में ज्ञानवान है या कोई और उसको प्रेरित करता है ज्ञान के लिए, क्या वो किस चीज से निर्मित है, वो पहले चर्चा हम कर चुके। तो चित्त स्वयं ज्ञानवान है या नहीं है, इसको जानने का प्रयास इस सूत्र से करते हैं। सूत्रकार कहते हैं, न तत् स्वआभासम दृश्यत्वात्। कहा, न तत् स्वआभासम दृश्यत्वात्। वह नहीं है, तत् यानी कि वह चित्त, न का मतलब नहीं है, स्वआभासम स्वयं में ज्ञानवान नहीं है, माने स्वयं उसको ज्ञान नहीं होता है, स्वयं उसको जानकारी नहीं होती है, वह खुद में नॉलेजेबल नहीं है, उसकी सेल्फ नॉलेज नहीं है। ये यहां कहा गया, ने तत स्वआभासम। फिर लास्ट में कहा दृश्यत्वात्, और इसका कारण क्या है, दृश्यत्वात् यानी कि दृश्य से निर्मित। और दृश्य क्या है, दृश्य हम कहते हैं प्रकृति को, जो प्रकृति है उसको हम दृश्य कहते हैं। तो प्रकृति का निर्माण किन से हुआ, सत रज और तम, इन तीन गुणों को से मिला करके। तो यहां चित्त भी सत रज और तम का ही कंबाइन जो है वो कोऑर्डिनेशन से ही इसका निर्माण हुआ है। तो कहा कि ये तीन गुणों से निर्मित होने के कारण स्वयं में ज्ञानवान नहीं है, स्वयं इसको नॉलेज नहीं होती है। इसको नॉलेज कौन करवाती है, आत्मा। आत्मा के साथ जब चित्त संयुक्त तो होता है, उसका उसके साथ अलायंस होता है, तो वो चीजों की जानकारी उसको होती है। अदरवाइज चित्त को स्वयं में कोई ज्ञानवान नहीं है, स्वयं उसकी नॉलेज नहीं है, स्वयं उसकी ऐसी एबिलिटी नहीं है, स्वयं उसकी योग्यता नहीं है, स्वयं उसके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है कि वो किसी चीज का ज्ञान कर पाए, माने किसी चीज की जानकारी उसको हो, किसी चीज को वो सही से जान पाए, क्योंकि वो प्रकृति के पदार्थों से निर्मित है, सत रज तम से निर्मित है, वह जड़ है, चेतन नहीं है। तो इसलिए कहा, न तत् सो आभासम, उसको स्वयं में आभास नहीं होता, स्वयं में उसको जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वह दृश्यत्वात् वह प्रकृति से निर्मित है, वह जड़ पदार्थ है, वह सत तम और रज से निर्मित है, इसलिए उसको स्वयं आभास नहीं होता। उसको आभास करवाने के लिए चेतन यानी कि पुरुष यानी कि आत्मा का कॉम्बिनेशन उसको चाहिए, उसका सहयोग उसको चाहिए होता है, तब जाकर के उसको किसी चीज की नॉलेज होती है। और जो व्यक्ति ये मानते हैं कि चित्त को ही नॉलेज है, चित्त विचारों का आदान प्रदान करता है, वो किसके साथ करता है, वो आत्मा के साथ संयुक्त होकर के करता है, उसको खुद से कोई आभास नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे बताया गया कि चित्त स्वयं में ज्ञानवान नहीं है, वह किसी के द्वारा यानी कि चेतना के द्वारा, आत्मा के द्वारा ही ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम होता है। इस व्याख्यान को पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के उसको पढ़ सकते हैं, आपको और भी ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और ये सूत्र इतना ही था, 19वां सूत्र कैवल्यपाद। जल्द ही हम कैवल्यपाद को कंप्लीट करके योग दर्शन को कंप्लीट करेंगे। आप सब अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें, और जितने भी नव आगंतुक हैं हमारे साथी जो यूट्यूब पे हमें फॉलो कर रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और कोई सुझाव है तो आप जरूर दीजिएगा, और निरंतर योग अभ्यास करिए, स्वाध्याय करिए, अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य आपके पास होना चाहिए, और योग को व्यवहार में इम्प्लीमेंट करने की, व्यावहारिक रूप से आप इम्प्लीमेंट करने की, जिसको अपने व्यवहार में शामिल करने का प्रयास आप करते रहिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की परमात्मा से कामना करता हूँ सभी साथियों की। और जल्द ही आगामी व्याख्यान के साथ, 20वें सूत्र के साथ आपके साथ समक्ष उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।